कई साल पहले बद्रीपुर नाम के एक गांव में राजेश और सुवर्णा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके गांव में उनका एक एकड़ का केले का बागान था। जो केले उनके बागान में फलते थे उन्हें वो बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन राजेश बोला, अरे सुवर्णा, ये क्या, केले के गुच्छे में दो केले किसी ने काटे हैं। ओ केले, बाग में पंछियों ने खाया होगा। ये सुनकर राजेश बोला, ऐसा क्या, अच्छा आज जो पैसे मिलेंगे ना उससे मैं एक पहरा बना दूंगा ताकि वो पंछी फिर से आकर केले ना खा सके। उस दिन उनका केले का अच्छा सा बिक्री हुआ। जो पैसे मिले उससे राजेश ने बागान के चारों ओर पहरा बिठाया। कुछ दिन बाद फिर से सुवर्णा और राजेश मिलकर बागान के केले गिनने गए। सुवर्णा, पिछले बार से इस बार हमारा फसल ज्यादा हुआ है, पर वो पंछियां अभी भी केले खाए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, फल स्वादिष्ट होंगे तो पक्षियां तो खाएंगे ही, ये तो मामूली सी बात है, इसके बारे में आप इतना क्यों सोच रहे हो। तुम नहीं समझोगी सुवर्णा, ये पंछियां दिन ब दिन बहुत चालाक होते जा रहे हैं। आज दो आकर केले खा रहे हैं, कल से उन्हें देखकर चार और आएंगे, वो चार मिलकर चार और केले खाएंगे, फिर चार का आठ और आठ का सोलह होंगे और सब मिलके बागान का सर्वनाश करेंगे। अच्छा आप क्या सठिया गए हो, मैं आपको समझा क्यों नहीं पा रही हूँ। तू चुप हो जा, मुझे एक उपाय सुझा है। सुवर्णा गुस्से में बोली, जो मर्जी में आए कीजिए, मुझसे मत बोलिए। राजेश दूसरे दिन अपना बागान पहुंचा, फिर सीमेंट बालू और कंकर लेकर बागान के चारों ओर और ऊपर भी उसने छत बांध दिया। फिर अपने मन में उसने सोचा, अब देखता हूं ये पंछी आके केले कैसे खाते हैं। दूसरे दिन सुवर्णा और राजेश अपना बागान पहुंचे केले उतारने, तो वहां का हाल देखकर सुवर्णा चौंक गई। अरे ये आपने क्या कर दिया, सिर्फ दो केलों के लिए आपने पूरा फसल को खेर दिया। अब पौधों को धूप कैसे लगेगी बताइए, और बारिश का पानी कैसे पहुंचेगा, उसने पूछा। फिर जब बागान के अंदर जाके देखा तो सारे पेड़ सूखे पड़े हुए थे। तब राजेश को अपनी गलती समझ में आई और वो बहुत दुखी हुआ। राजा और चरवाहा, विशालपुर नामक साम्राज्य का शासन प्रशांत वर्मा नामक महाराज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। प्रशांत वर्मा को चित्रकारी का बहुत शौक था। उन्हें पहाड़ों पर जाकर एकांत में चित्र बनाने का बहुत शौक था। एक दिन दरबार में एक ज्योतिषी आए। महाराज स्वागत है, आपका स्वागत है, आप हमारे परिवार के कुलगुरु और ज्योतिषी हैं। अगर आप सूचित करते तो मैं स्वयं हाजिर हो जाता। कहिए आपका कैसे आना हुआ। ज्योतिषी, महाराज को प्रणाम। जब आपका जन्म हुआ तो आपकी कुंडली मैंने ही बनाई थी, तब से आपकी कुंडली को मैं ध्यान से देख रहा हूँ। अब तक आपके सारे ग्रह अनुकूल हैं, पर अब एक समस्या। राजा संकोच न करें गुरुजी, आप इस परिवार के हितैषी हैं, कोई समस्या हो तो बताएं गुरुजी, निसंकोच कहें। ज्योतिषी, हाँ महाराज, अब आपके कुंडली में दुष्ट ग्रह ने प्रवेश किया है। आज से ठीक एक महीना यानी 30 दिन तक दुष्ट ग्रहों का असर होगा। मुझे जो पूजा पाठ करना था वो मैंने किया, पर ये एक महीना थोड़ा चौकन्ने रहने की जरूरत है, कहीं बाहर ना जाएं। यही बताने आया था, नमस्ते, कहते हुए वो वहां से चला गया। ज्योतिषी के कहे अनुसार बहुत दिन तक राजा बाहर नहीं गए। एक दिन राजा चित्रकारी किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन गुरुजी ने बाहर जाने के लिए मना किया है। पर मेरे राज्य में मेरा शत्रु कौन है, अगर मैं अपनी रक्षा ना कर सका तो राज्य की रक्षा कैसे करूंगा, आज बाहर जाना ही होगा। तुरंत सबकी नजर बचाकर प्रशांत वर्मा महल से बाहर चले गए। ज्योतिपुर गांव में मुन्ना नाम का लड़का रहता था, वो गूंगा था। मुन्ना के माता पिता इस बात को लेकर चिंतित थे। मुन्ना भेड़ चरता था। महाराज एक ऊंचे पहाड़ में प्रकृति की सुंदरता का चित्र बना रहे थे।
चित्र को बनाकर उसमें जहां तहां सुधार करते थे। थोड़ा पीछे हटकर निहारते, फिर जो कमी दिखती उसे ठीक कर दोबारा पीछे हटकर देखते। इस तरह चित्र को ठीक करना, फिर उसे निहारना, ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो पहाड़ के किनारे खड़े हैं। तभी मुन्ना अपने भेड़ों के साथ वहां आया। उसने महाराज को पहाड़ के किनारे खड़ा देखा। वो हड़बड़ा गया। राजा थोड़ा और पीछे हटा। मुन्ना ने दूसरी ओर देखा तो चित्र नजर आया। मुन्ना ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गूंगा होने के कारण ऊ के अलावा उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकला। तब मुन्ना को एक उपाय सूझा। पास पड़े एक पत्थर को उठाया और जोर से चित्र पर फेंका। चित्र नीचे गिर गया। उसे देख राजा चकित रह गया। मुड़कर देखा तो मुन्ना दिखाई दिया। राजा गुस्से में मुन्ना के पास आया और, राजा, हे मूर्ख, ये तूने क्या किया? पागल हो गए हो क्या? चित्र पर पत्थर क्यों फेंका? तब मुन्ना, बा, कहकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। इस पर राजा को और गुस्सा आ गया। राजा, ये जवाब देने के बजाय बाबा बीबी क्या कर रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तब मुन्ना चित्र के पास गया, वहां से पहाड़ के किनारे गया और बा करके कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। बा, राजा, ये क्या है? फिर से बा बीबी शुरू कर दिया? क्या तुम गूंगे हो? फिर भी सजा तो मिलेगी ही, चलो मेरे साथ, कहकर उसे वहां से दरबार में ले गए। अगले दिन दरबार में मुन्ना का पिता, महाराज हमें क्षमा करें, बच्चा है और गूंगा है, वो बहुत अच्छा लड़का है महाराज, शरारती नहीं है, आप उसे क्षमा करें, कृपा करके उसे छोड़ दें महाराज। राजा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि उसने पत्थर नहीं फेंका? मैंने खुद फेंका और उसे पकड़ लाया हूं। दिमाग ठिकाने है? जानते हो किससे बात कर रहे हो? चाहे वो बच्चा हो या गूंगा, गलती की है तो सजा मिलेगी ही, ज्यादा बोला तो तुम लोगों को भी अंदर कर दूंगा, खबरदार। तभी गुरुजी दरबार पहुंचे। गुरुजी, महाराज प्रणाम, आपको एक शुभ समाचार देना था। कल शुक्रवार शाम को आपका बुरा समय समाप्त हो गया है, अब कोई चिंता नहीं, पर कल आपकी रक्षा एक महान व्यक्ति ने अपने ग्रह के बल पे की थी, सही है ना? मैं ये आपके ग्रह और नक्षत्र की स्थिति को देखकर कह रहा हूँ। ये बात कल ठीक 11 बजे की है, आपकी किस्मत अच्छी थी इसलिए आप बच गए। ये सुनकर मुन्ना, कहकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मुन्ना को देख महाराज को जो कुछ बीता वो याद आया। उन्हें तब समझ में आया कि मुन्ना क्या कहना चाहता था। राजा पछताया, हे गुरुजी, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कल बुरे घड़ी का आखिरी दिन था, मैं सबकी नजर बचाकर पहाड़ी पर गया चित्र बनाने, अब याद आया, ठीक 11 बजे चोटी के किनारे चित्र को देख रहा था कि मुन्ना ने पत्थर फेंका, गुस्से में आगे बढ़ा तो मेरे प्राण बच गए, नहीं तो मैं उस खाई में गिरकर मर गया होता। मुन्ना से, बेटा मुन्ना, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, अहंकार और क्रोध में मैं अंधा हो गया था, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तुम्हें उसी भगवान ने भेजा था मुझे बचाने, और मैं तुम्हें दंड देना चाहता था, मुझे क्षमा करो बेटा। मुन्ना, कर कुछ कहना चाहता था। उसके पिता, मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है महाराज, वो कह रहा है कि आप इस देश के राजा हैं और आप किसी को भी दंड दे सकते हैं, ये एक दुर्घटना है, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, आपके सुख में ही हमारा सुख है महाराज। राजा, तुम वाकई अच्छे हो, अब से तुम सब मेरे साथ ही रहोगे, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। मुन्ना और उसके माता पिता खुश हुए। इसीलिए बच्चों, किसी को भी दोष देने से पहले जरा सोचना चाहिए, क्रोध और अहंकार में लिया गया निर्णय गलत ही होता है, समझे?